नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। देश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव में अभी 4 चरण का मतदान बाकी है, लेकिन अब तक हुए 3 चरणों में कई जगहों से राजनीतिक दलों ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। खासकर बुरखे की आड़ में महिलाओं के फर्जी वोट डालने की शिकायतें की गई है। क्या है फर्जी वोटिंग होने पर प्रक्रिया, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि चुनाव आयोग कैसे फर्जी वोटिंग को रोक सकता है और फर्जी वोटिंग की शिकायत पर कैसे कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 12 जिलों यानी मुरादाबाद, संभल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं और बरेली जिले की 10 लोकसभा सीटों पर आपको बता दें कि मतदान हो रहा है। वहीं संभल में खबर है कि एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर परमेश्वर लाल सैनी, जिनका नाम है, उन पर फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए गए हैं और एक तरह से कहें तो उनके साथ जो शख्स था उस पर आरोप है कि कहीं ना कहीं फर्जी वोटिंग हो रही है। भाजपा प्रत्याशी और भाजपा समर्थकों की फर्जी वोट डालने आए शख्स के बीच जमकर बहसबाजी तक हुई है। इनके वीडियोज भी वायरल हुए हैं। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी ने संभल के चौधरी सराय इलाके में बने बूथ पर एक मुस्लिम मतदाता को फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा। भाजपा प्रत्याशी ने बताया कि इस बूथ पर एक फर्जी मतदाता वोट डालने पहुंचा था। उनके पहचान पत्र ही फर्जी था, उसे हमारे लोगों ने वोट डालने के पहले ही पकड़ लिया। हमने उसे प्रशासन को सौंप दिया है, प्रशासन अब अपनी कार्यवाही कर रही है और हम उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि चौधरी सराय के इसी बूथ पर सपा प्रत्याशी व विधायक जियाउर रहमान बर्क की पुलिस से जमकर नोकझोंक तक हुई थी। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान को पुलिस ने हिरासत में लेने का प्रयास किया, इसको लेकर भी सपा प्रत्याशी व पुलिस में काफी देर तक गहमा गहमी रही। संभल में मंगलवार को मतदान के दौरान यानी आज मतदान के दौरान कई मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों ने वोट न डाले दिए जाने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि संभल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जियाउर रहमान बर्क ने जिला प्रशासन से मतदाताओं के साथ जबरदस्ती किए जाने की शिकायत की है। जियाउर रहमान का कहना है कि पुलिस प्रशासन पार्टी बनकर काम कर रहा है, मतदाताओं की पर्ची छीनी जा रही है, वोट नहीं डाले दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज सुबह 9 बजे तक 12.94 मतदाताओं ने मतदान किया है। आपको बता दें कि वोटर टर्नआउट ऐप के अनुसार सुबह 11 बजे तक संभल में करीब 29% वोट हुआ है, हाथरस में 26% हुआ है, आगरा में 25% हुआ है, फतेहपुर सीकरी में करीबन 27% हुआ है, फिरोजाबाद में 24, मैनपुरी में 25, वहीं एटा में 27%, बदायूं में 26%, आंवला में 25% और बरेली में 23% मतदान हुआ है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि तीसरे चरण के तहत राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। फिलहाल आज के पूरे दिन में जहां जहां भी मतदान हुआ है वहां से संभल की खबर सबसे ज्यादा आई है कि संभल में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।